तो आज न्यूयॉर्क का जो है कह सकते हैं कि पहला दिन, और पहले दिन जो काम करने जा रहा हूँ वो बड़ा अहम है। ये अगर आप देखेंगे, ये ब्लैक जो बैग पड़ा हुआ है, ब्लैक, इसमें जो है मेरे कपड़े हैं। यानी कि मैं न्यूयॉर्क में जब भी आता हूँ, यहाँ ये मेरे दोस्त का घर है और यहीं ठहरता हूँ क्वींस में, और जो है कपड़े मेरे अमूमन यहाँ पड़े रहते हैं। तो उनको आने के बाद पहला मरला ये होता है कि उनको जो है लॉन्ड्री किया जाए, यानी कि धुलवाया जाए। और धुलवाने के लिए यहाँ तो कोई मासी चाची और मामी या घर में कोई है नहीं तो जो धो के दे, और अमूमन अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ काम खुद करना पड़ता है। तो अभी हम ये कपड़े लेकर, ये जो ब्लैक थैला पड़ा हुआ है, जाएंगे लॉन्ड्री और वहाँ पर इनको धुलवाएंगे। दिखाते हैं कि अमेरिका में कपड़े कैसे धोते हैं या धुलवाते हैं। आए मेरे साथ। हमारे दोस्त मोहसिन भाई आ गए हैं और जो है अब हम जा रहे हैं कपड़े जो है धुलवाने के लिए। और मोहसिन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भैया। कितने अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई? मेरा ख्याल से तीसरा साल चल रहा है। नहीं, अभी यानी कि हमारा जो है कोई एक साल दो साल के बाद मिले दोबारा। तीसरा साल हो गया है, दो साल निकल गया, तीसरा साल चल रहा है। दो साल के बाद मोहसिन भाई से दोबारा मुलाकात हुई है। मोहसिन भाई भी जो है हमारे जो है कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और कराची कितने वर्ष हुए नहीं आए आप? मुझे आधी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई, 25 साल हो गया मुझे, 26वां साल शुरू हो गया। 26 साल हो गए शुरू हुआ है, 25 मुकम्मल हो गए, 26 मार्च शुरू हो गया। चले, ये है गुफ्तगू, अभी आगे भी करेंगे। ये हम जो है अभी कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री आ गए हैं और मोहसिन भाई मुझे यहाँ ड्रॉप करेंगे, ये फिर आगे जाएंगे। क्योंकि मैं व्लॉग इसीलिए बना रहा था कि आपको भी पता लगे कि न्यूयॉर्क में सिर्फ खाना पीना नहीं होता, रहना नहीं होता, उसके अलावा और भी काम होते हैं। क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे से मेरी वर्किंग शुरू होगी, तो मेरे जो यहाँ पे कपड़े पड़े थे मैंने कहा उनको भी धुलवाया जाए, ज़रूरत पड़ेगी। और कपड़े कैसे यहाँ पर धुलवाते हैं, उनके पैसे कितने लगते हैं अमरीका में, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो मोहसिन भाई क्या कहेंगे? बस है यहाँ पर, लेकिन जो बात है अपने मुल्क की, वो अपने मुल्क की बात है। बड़ी रोज़ाना हम अपना मुल्क याद आता है, हर वक्त लिए चाहता है बस कैसे हमारे पर लग जाएं और हम उड़ के जाएँ। इंशाल्लाह इस साल में हम, अल्लाह ने चाहा तो पूरी, मुझे उम्मीद है कि ये साल में मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो मैं ट्रैवल कर सकूँगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं और हमारे देखने वालों की दुआएं। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर कपड़े आम धोने के लिए पैसे कितने लगते हैं? भाई आम धोने के लिए तो समझ लीजिए खुद धो, मशीनें लगी हुई हैं तो उसमें भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता बैठता है, लेकिन अगर आप धुलवाएँ, लॉन्ड्री वगैरह कराएँ तो पहले दो साल पहले कोविड से पहले $3.50 थे एक शर्ट की धुलाई, और पैंट की $3.50 थी, बाकी कोट वगैरह धुलवाने के उसके $9 थे। तो पैंट शर्ट के यही $3.50 थे। तो अब ये मेरा ख़ास से दो साल ढाई साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी मैंने दोबारा, क्योंकि पहले मैं लॉन्ड्री करवाता था, ड्राई क्लीन, जब से कोविड हुआ है तो काम वाम मैंने छोड़ा हुआ था तो खुद ही धोने लगा। अच्छा है, और कपड़े धोने में कोई बुरी बात नहीं। आज हमने भी तजुर्बे के लिए आए हैं यहाँ पे, कपड़े जो है ना खुद जाके ये लॉन्ड्री करते हैं। पता लगे कि पाकिस्तान में देखने वालों को कि अमेरिका में अगर आप खुद कपड़े धोते हैं तो आपका खर्चा कितना आता है और काम कैसे होता है। मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया, आप अभी आगे जाएंगे, मैं कपड़े थोड़े धो लूँ और कपड़ों को धो के और इनको भी दिखाऊँ कि अमेरिका में काम कैसे करना पड़ेगा। खुदा हाफिज़ आप सब लोगों को भाई, जो देख रहे हैं, हम दोनों को बातचीत हो रही है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत, अगर वो दूसरे मज़हब के हैं तो नमस्ते, सर सरीकाल,
और खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके। हाँ, वह दूसरा मरहला सर्फ यानी कि कपड़ों के धुलाई के लिए कुछ ना कुछ लेना, रेट अपने हिसाब से लिखे हुए हैं। अगर ये आप लेंगे तो तकरीबन $6.75 का ये है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, मुख्तलिफ ब्रांड और मुख्तलिफ प्राइस, $5.50, $9.50, $6.75। मगर हमारे कपड़े थोड़े हैं तो हम इतना बड़ा नहीं लेते, यानी कि $3.50 का ख़रीदते हैं ये। और इसके बाद हमारे कपड़े जो कि इसमें हैं बिल्कुल थोड़े हैं, तो वही हम लेंगे और इससे आज कपड़ों की धुलाई करेंगे। ये हमने ख़रीदा। और ये कितने का है? 350 का। तो अब हम दे रहे हैं पैसे $3.50, यानी कि $3.50। इस पैसे निकालेंगे $1, $2 और ये हो गए $3। 50 सेंट ढूंढते हैं, अगर हमारे पास खुले हैं तो हम 50 सेंट भी यहाँ से दे देंगे। ये इसमें से 50 सेंट है। ओके, तो $3.50 का हमें ये पड़ा। और आगे का जो खर्चा है वो बाद में देखेंगे कि क्या है। अब बाहर निकले, ये लिया और सामने हमारी है वही लॉन्ड्री जिसमें कपड़े धोएंगे। इस लॉन्ड्री पे आते हुए मुझे कोई लगभग 5 साल हो गए हैं और मैं 5 साल से इस लॉन्ड्री पे आता हूँ। 24 घंटे ये खुली रहती है और इसमें आप 24 घंटे जो है अपने कपड़े धुलवा सकते हैं। ये लॉन्ड्री नहीं मगर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बच्चे साथ ला रहे हैं तो गेम खेलते रहें, पूरी मशीनें लगी हुई हैं और लंबा चौड़ा जो यहाँ पर ये लॉन्ड्री सिस्टम है। और इस लॉन्ड्री सिस्टम में कपड़े इस तरह से धुल रहे हैं। अब है अगली बारी हमारे कार्ड की, जो कि हम कार्ड साथ लाए हैं। अब है अगली बारी इस कार्ड की। ये कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप अमेरिका में कपड़े लॉन्ड्री करने आते हैं तो इस कार्ड का काम बड़ा अहम है। यहाँ पर हर बंदे ने अपने अपने कंपनी के कार्ड बनाए हुए हैं, तो इसी कार्ड से जो है आप लॉन्ड्री कर सकते हैं। तो इसमें मैं पैसे डलवाता हूँ, चेक करवाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या है। ये मशीन है, अब इसमें डालते हैं कार्ड और मालूम करते हैं तो इस कार्ड में बैलेंस कितना है। यानी कि ये बता रहा है बैलेंस है $3.33। अब इनसे पूछते हैं कि कम से कम हमारे ये कह रहा है इसमें पैसे डालें और बैलेंस है $3.37। अब ये मालूम करते हैं कि इसमें पैसे हैं कितने। ओके, अभी इसमें हमने डाले हैं $20 और इन्होंने बताया कि $6 जो है कम से कम आपके इसमें होने चाहिए। तो बाकी हमें जो है इन्होंने, अच्छा यहाँ से पैसे हो गए खुले और ये चले गए $6। और ओके, बैलेंस इन 833। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमारा कार्ड हो गया ज़बरदस्त। अब हम बनाते हैं, मशीन ये है और इसमें कपड़े डालेंगे और कपड़ों की धुलाई करेंगे। कपड़े, क्योंकि अमेरिका के अंदर कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, तो सॉक्स, कपड़े, शर्ट्स, टी शर्ट्स और पैंट और तमाम चीज़ें इसमें डालनी पड़ती हैं। और ये कपड़े अभी हमारे, और जीन्स की पैंट है, ये तकरीबन 2 साल पहले के मेरे कपड़े हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए थे। मैंने एक लेडी से हेल्प ली कि इनसे पूछा कि भाई आप ये बताएं कि ये किस तरह से धुलेंगे, तो इन्होंने बताया कि आप छोटी मशीन इस्तेमाल करें क्योंकि बड़ी मशीन का इस्तेमाल होना ज़रूरी नहीं। अब ये किया बंद क्योंकि आई थिंक यस या इज़ गुड। और ये है कार्ड, ये कार्ड अब डालेंगे इधर। आई थिंक
Yes, this one. No, okay, this. Leave it there. No, no, leave it there. Okay, the start. Is done. And push up part. Yeah. Okay. अब इसको डालते हैं सॉफ्ट. यस यस दिस साइड है. ये हमने डाल दिया जी इसमें ये, और अब जो है कपड़े धोना शुरू हो गए. तो ये हो गया ख़त्म हमारा काम. अब काम है मशीन का. तो अब ये अमेरिका में कपड़े धोते हैं इस तरह. अब ये जब धुल जाएंगे तो अगली बारी है ड्राई की. ड्राई की तरफ जाएंगे, उस पर जो है हम कपड़े सुखाएंगे. ऐसे लग रहा है कि मैं कोई किचन का प्रोग्राम कर रहा हूँ अमेरिका में, यानी कि आपको कुछ बनाना सिखा रहा हूँ, मगर कपड़े धोने भी ज़रूरी हैं. अगली बारी होगी तो ज़रूर आपको मैं दिखाता हूँ ड्राई कैसे होते हैं. थैंक यू लेडी. भाई मेरे अभी मुझे बैठना है कोई 18 मिनट यहाँ पर और 15 से 20 मिनट इनको ड्राई करने के लिए. इन कपड़ों को अच्छी तरह इस मशीन ने धो लिया. अब बारी है इनको सुखाने की. निकालते हैं और अगला मरहला दिखाते हैं कि कपड़े सुखाते कैसे हैं यहाँ पर. ये अब हमने ली ट्रॉली और इस ट्रॉली को लेके जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर इस पर लगाएंगे इधर और खोलेंगे इसको. ये खुल गई. इसको हटाएंगे. हटाने के बाद इसको लगाएंगे. देखें जी वाह जी वाह, बोले सही नहीं दुले. ये निकालते हैं कपड़े. ये मेरी अच्छी शर्ट है, पसंदीदा शर्ट. देखूं भाई सही धुली के नहीं. बड़ी महंगी शर्ट है ज़ारा की जी. डर था कि टी शर्ट कलर ना छोड़े, क्योंकि पाकिस्तानी टी शर्ट तो नहीं है, यहाँ की हैं, मगर कुछ एतबार नहीं है तो कलर तो किसी ने नहीं छोड़ा. सभी मैंने इसी में डाल दिए थे. वाह जी वाह, बड़ी अच्छी तरह धुल गए कपड़े. और ये बोरा भी साथ उठाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी है. अब इनको ले जाएंगे इधर और इससे पूछेंगे कि इज आई नीड टू स्मॉल दिस वन मशीन. It's a big one. Yeah. Okay. At this side. Okay जी. कह रही है कि इस्तेमाल करने के लिए आपको बड़ी मशीन चाहिए. तो चलें जी बड़ी मशीन में डालते हैं कपड़े. खोलते हैं गेट. खुल जा समसम. चलें जी खुल गई समसम की तरह. और ये अब आ गए कपड़े. इसको रखते हैं इधर और डालते हैं इसको अंदर. चले चले गए सारे कपड़े अंदर. तो अब ये करते हैं इसको बंद. ये हो गई बंद. अब अगला मरहला आ रहा है इसको यही कार्ड लगाने का. हाउ मच इज टाइमिंग दिस सर? दिस कार्ड दिस मशीन दिस. लुक
again, and then you add minutes. 8 minutes? No. You have to put more minutes. Like 30 minutes. More. One more. ओके, तो ये आधे घंटे के लिए हमने इस कार्ट से जो है पे कर लिया और अब ये कपड़े हमारे हवा में उड़ रहे हैं। जो कहते हैं कि अमेरिका में आसान है काम करना, मगर मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर जगह काम करना इंतहाई मुश्किल है, मगर अमेरिका आपको सब कुछ सिखा देता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में आपके घर में मुलाजिम होते हैं या तो फिर आपके घर वाले आपके कपड़े धो के रखते हैं या लॉन्ड्री करवा देते हैं, मगर पाकिस्तान से बाहर जब निकलते हैं अमेरिका में तो बहुत से घरों में अब लॉन्ड्री सिस्टम है। बड़े बड़े घरों में फ्लैटों में लगे हुए आप अपनी मशीनें हैं तो धो सकते हैं, मगर बहुत से लोग जो है घरों में कपड़े लॉन्ड्री नहीं करते। इसी तरह के बड़े बड़े के शॉप होते हैं जिसमें ये मशीनें जो हैं लाइन से लगती हैं, हज़ारों की तादाद में, सौ की तादाद में। ये लॉन्ड्री शॉप इतना ही बड़ा है, यानी कि समझे कि छोटी सी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। इसको रन करने के लिए सिर्फ यहाँ पर दो मुलाजिम हैं जो कि लोग कपड़े दे जाते हैं उनके, ये कपड़े धोते हैं और ये खातून जिस तरह से यहाँ पर कपड़े धो रही है, लोग दे जाते हैं और उनसे पैसे ये वसूल करते हैं। यानी कि जैसे हमने खुद धोए तो हमें पैसे कम लगेंगे, मगर कोई अगर दे जाएगा तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पर टीवी से लेकर वाईफाई तक, वाईफाई से लेकर बच्चों का, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ जो है होटल्स में और हर जगहों पर होता है कि लोग जो है आप KFC चले जाएं, मेन रोड चले जाएं, दुनिया में कहीं भी, वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले जो है की जगह जो है वो अलग बनाई होती है, तो यहाँ पे भी इसी तरह बनी हुई, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर कपड़े धोने आती हैं तो यहाँ पर हर चीज़ रखी हुई है। हमारे कपड़ों को अभी भी 28 मिनट और मज़ीद जो है इनको सुखाने में लगेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं चलकर दूसरी चीज़ के यहाँ पर, जैसे कोई आपको चिप्स चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगी और यहाँ से चिप्स वगैरह आपको मिल जाएगी। ये देखें कॉफ़ी का इन्होंने बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी मिल जाएगी। और मैंने जैसे कहा था कि ये बड़ी इंडस्ट्री की तरह नहीं, मगर ये छोटी इंडस्ट्री है जो कि लोग यहाँ पर आते हैं, कपड़े धोते हैं। ये एक इन्होंने $1 के लिए गेम बनाया हुआ है, इसमें $1 डालें और आप गिफ्ट ले लें। तो ये है, और इसी तरह यहाँ पार्किंग है, लोग आते हैं गाड़ियाँ पार्क करते हैं, क्योंकि पार्किंग का न्यूयॉर्क सिटी में बड़ा मसला है कि पार्किंग आपको मिलती नहीं है। तो इसी तरह ये मशीन थी जिसमें हमने पैसे डाले और इससे जो है हमने अपना कार्ड दोबारा रिचार्ज कर लिया। तो अभी हमारे कपड़ों को मज़ीद और टाइम है हवा में उड़ने में, जो उड़ रहे हैं अभी जो नज़र आ रहा है, तो उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे ये कपड़े सूखते हैं। अगर हमारे कपड़े फाइनली धुल चुके और सूख चुके हैं, अब बारी है इनको निकालने की। तो इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी ट्रॉली की, जो बड़ी अहम है, उसमें डालेंगे कपड़े। कपड़े डालने के लिए ये ट्रॉली है और अब ट्रॉली को लेकर ये है हमारा बैग जिसमें डालेंगे कपड़े। वाह, आप सोच रहे होंगे कि कपड़े गीले होंगे, मगर बिल्कुल गीले नहीं है और सूख गए। अब चेक करते हैं कि कपड़ों की धुलाई के बाद हमारा खर्चा कितना हुआ अमेरिका के अंदर इन कपड़ों को धोने के लिए। इसमें $3 पहले से मौजूद थे और $5 मैंने डलवाए, तो ये हो गए $8। तो अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें बैलेंस कितना है। अब बैलेंस यानी कि $2.5 अभी भी बचे हुए हैं, तो मैंने इसमें डलवाए थे $5, $3 ऑलरेडी थे, तो मेरे तकरीबन जो है
जो ख़र्चा हुआ यहाँ पर जो धुलाई के लिए, वो समझें कि $6 यानी कि $7 का खर्चा ये हो गया। $7 के साथ साथ जो है हमने जो कपड़ों को धोने के लिए एक लिक्विड ख़रीदा था सरफ, उसके तकरीबन हमने दिए थे $3 और कुछ सेंट, तो यानी कि हमारा टोटल खर्चा पड़ गया $10 का। $10 में हमारे कपड़े धुल गए और अब इसको इस्त्री करेंगे, पहनेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी, उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि अमेरिका के अंदर कपड़ों की धुलाई का पहले पता था या नहीं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।